हम स्टार्ट करते हैं। एक कप सूजी लेनी है, उसको अच्छी तरह साफ करके छान लेना है और 2 टेबलस्पून फुल मैदा लेना है और 1/2 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून है ऑयल। अब एक बॉल लें, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो सूजी है, मैदा है, नमक है और ऑयल। थोड़ा सा हम ऑयल इसमें डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, 4-5 ड्रॉप्स हमने बचा लेने हैं इसमें से। तो अब इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर 1 कप पानी मैंने लिया है उसको साथ साथ डालते जाएंगे और इसकी डो बनानी है। ये इस तरीके से डो बनानी है जैसे हम समोसों के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बनानी है। ये देखिए, साथ साथ पानी मैं डाल रही हूँ और साथ साथ डो बना रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और डो तैयार हो गई है। एक कपड़ा मैंने गीला करके इसको ढक दिया है, तकरीबन 1/2 घंटे के लिए इसको ढक के रख देना है। अब चटनियाँ तैयार करेंगे। ग्रीन चटनी पहले मैं तैयार कर रही हूँ, इसमें पुदीना है और 2-3 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा नमक है 1/2 टीस्पून और 1/2 कप मैं पानी डालूंगी। ये ग्रीन चटनी मैं बनाऊंगी, आपकी मर्ज़ी है, आप चटनियाँ जिस तरह की मर्ज़ी बनाएं, स्पाइसी चाहते हैं उस तरह बनाएं, कम स्पाइसी आपको चाहिए उस तरह बनाएं, जिस तरह की भी आप चटनियाँ गोलगप्पे के साथ यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जैसे घरों में बनाते हैं। ये इमली है, मैंने इसको पहले से भिगो के रखा हुआ था 1 घंटे के लिए। अब ये इसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दी है और 1 टीस्पून चाट मसाला डाल के मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको छान लेना है। और पानी जो है वो जो पीने वाला हम यूज़ करते हैं वही यूज़ करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट गोलगप्पे हमने खाने हैं, उसमें चटनियों के साथ इस्तेमाल करने हैं, तो इसलिए साफ़ सुथरा पीने वाला पानी होना चाहिए। अब छान लिया है इसको, इमली को, इमली का पानी अलग कर लिया है और गुठलियाँ अलग कर ली हैं। और ये इंजीर है, इससे मीठी चटनी बनाएंगे। ये भी मैंने भिगो के 2-3 घंटे के लिए रखी हुई थी, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी पहले। और ये 3 टेबलस्पून शक्कर है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इंजीर को ब्लेंड कर लूँगी पहले अच्छी तरह से, फिर उसके बाद जो है वो इस तरह, ये देखिए ये ब्लेंड हो गया है। अब इसकी चाशनी पहले तैयार करेंगे मीठी चटनी के लिए। ये 1 कप पानी मैंने डाला है, इसमें शक्कर डालेंगे, इसको अच्छी तरह पकाना है। और ये देखिए इसकी चाशनी तैयार हो गई। अब इसमें ब्लेंड की हुई इंजीर डाल दी है और गाढ़े होने तक इसको पकाते रहेंगे और चमचा साथ साथ चलाते रहें। और अब ये गाढ़ी हो चुकी है मीठी चटनी इंजीर की और ये तैयार हो गई है। अब चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। और जो गोलगप्पे की फिलिंग के लिए चीज़ें चाहिए वो मैंने थोड़े से चने बॉयल करके रखे हुए हैं और उसमें आलू बॉयल करके रखे हुए हैं, प्याज हैं चॉप किए, टमाटर है, हरी मिर्च हैं। और सबसे पहले ऑयल डाल के चूल्हे को हल्का कर लेना है और उसके बाद डो को बेलना है, ऑयलिंग कर लेनी है। वो जो ऑयल मैंने थोड़ा सा बचाया था उससे हाथों पे भी और नीचे भी लगा के तो बेलना शुरू करना है। पूरा एक पेड़ा लेके उसको एक रोटी की शक्ल में बेलना है, अच्छी तरह से दे दें आप। तो इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से इस साइज़ के काट लेने हैं और इससे जो है वो तकरीबन 40 गोलगप्पे बनेंगे। अब पहले चेक करेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब गोलगप्पे हम तैयार करेंगे, इसमें गोलगप्पे डालने शुरू कर दिए हैं और बस तेज़ आंच पे इसको खड़े होके साथ साथ फ्राई करना है। और एक बात याद रखें कि बहुत ज़्यादा डार्क जो है वो गोलगप्पे फ्राई नहीं करने, उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा अगर डार्क हो जाएंगे तो वो सुराख हो जाते हैं और आपके बहुत से गोलगप्पे टूट भी जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से इस कलर के आप बनाएंगे, बिल्कुल मीडियम कलर के आपने जो है वो दरमियाने कलर के जो होते हैं ना, उस तरीके से आपने फ्राई करने हैं, तो ये 1 गोलगप्पा भी आपका ज़ाया नहीं होगा।
देखिए इस कलर के जब होने लगे हैं तो आपने इनको निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने। तो गोलगप्पे जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देखिए इस तरीके से, और इस कलर में कितना ज़बरदस्त और प्यारा कलर आया है इसका। अब मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। सारी चटनियाँ वगैरह इसमें डालेंगे और चने जो मैंने तक बताए थे आपको बॉईल किए हुए, वो आपकी मर्ज़ी है कि चने डालें, आलू डालें, सब्जियां जो भी आप चटनियां हैं मुख्तलिफ किस्म की, मीठी खट्टी और स्पाइसी चटनियां, वो आप डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें फिल की हैं चीज़ें। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पे, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।